हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। दोस्तों हम लोग लगभग 40 लोग निकल चुके हैं बोलबम यात्रा के लिए दोस्तों, और लगभग एक घंटे से ट्रेवल करने के बाद हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये सामने गोरखपुर स्टेशन है दोस्तों। देवघर जाने में लगभग 5-6 घंटा लगेगा, नहीं 12 घंटा, सॉरी दोस्तों 12 घंटा लगेगा। और फाइनली हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए हैं। 12 घंटे बाद आपको दिखाएंगे वहां का सीन, और बने रहिए मेरे लाइव में। तब तक धन्यवाद, नमस्ते दोस्तों। लगभग 2 मिनट से ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग, और रास्ते में चल रहे हैं, और हमारे सारे भाई जो हैं बादल बवाली और सारे हमारे फ्रेंड जो हैं हमारे साथ चल रहे हैं पीछे पीछे, और हम लोग आगे के चल रहे हैं दोस्तों। और बन रही है लाइव में, आप लोग जल्द ही बहुत ही जल्द दिखाने वाले हैं देवघर का सीन, और बाबा के दरबार में हम लोग लगभग 12 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि हमारा ट्रेन आ चुका है दोस्तों, और सारे हमारे फ्रेंड लोग और हमारे माता पिता जितने लोग हैं सब लोग बैठ चुके हैं दोस्तों, और कुछ हमारे भाई लोग हैं इधर उधर टहल रहे हैं बैठने के लिए दोस्तों। और बन रही है मेरा लाइव आते आते आदत पड़ गया दोस्तों, बन रही है मेरे ब्लॉग में दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ट्रेन आके लग गई है, गोरखपुर जंक्शन है दोस्तों, और इधर सुल्तानपुर से दोस्तों जल उठाएंगे, और लगभग 120 किलोमीटर पैदल यात्रा रहेगा हम लोगों को, और पूरा पैदल यात्रा आप लोगों को दिखाएंगे, बन रही है मेरे वीडियो में दोस्तों। बादल माफिया और हमारे सारे फ्रेंड लोग हैं, और दिखाते आप लोगों को अंदर चलते हैं ट्रेन में दोस्तों। ये ट्रेन आ चुका है, ये आदित्य भाई हमारे आ चुके हैं यहाँ पे, और हमारे मोहन भाई, मोहन भाई बैठ के भूख लग गया इसको, अभी पहुंचा ही नहीं तब तक ये भूख लग गया इसको, ये खा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, मेरे को भी खिलाओ दोस्तों। ये कुछ ट्रेन का अंदर का नजारा है, सब लोग सोए हुए हैं, और बने रहिए ब्लॉग में। मोहित दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, और आप लोग देखेंगे नहीं पूरा, उनका मालूम है दोस्तों। दिखाते हैं अगला पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।